हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम कुमार और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टैक्सेशन के बारे में। आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, आपको टैक्स देना होता है। वो टैक्स कितना देना होता है, कब देना होता है, क्यों देना होता है, कैसे देना होता है, कितनी अमाउंट पर देना होता है और कितनी अमाउंट तक हमें गवर्नमेंट जो है टैक्स पर अलाउंसेंस देती है, तो इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले टैक्स को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमसे किस तरीके से कितने टाइप में टैक्स वसूल करती है। तो बेसिकली टैक्स के 5 सेक्शन होते हैं जिसमें हमसे गवर्नमेंट टैक्स वसूल करती है। सबसे पहला होता है, अगर आप कहीं पे जॉब को हैं या नौकरी पे हैं, तो वो आता है इनकम अंडर हेड ऑफ सैलरी, जो आप टैक्स देते हैं। दूसरा, अगर आप कहीं बिजनेस है आपका कोई या प्रोफेशन में है, तो वो आपका आएगा इनकम अंडर हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। अदरवाइज आपके पास कोई प्रॉपर्टी है या कोई आपका हाउस रेंट पर है, प्रॉपर्टी रेंट पर है, तो वो आता है इनकम अंडर हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अदरवाइज अगर आपका पास कोई कैपिटल एसेट्स है, तो वो आपका आएगा इनकम अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन। अगर इन चारों में से कुछ भी नहीं है, तो अदर किसी सोर्सेस से आपके पास इनकम आ रही है, तो वो आता है इनकम अंडर हेड ऑफ अदर सोर्सेस। उसमें आपका क्या आ सकता है, आपके पास बैंक से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है, तो ये आता है इनकम अंडर हेड ऑफ अदर सोर्सेस। तो हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टमेंट की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो हम उसके रिगार्डिंग ही बात करेंगे। तो अगर आप जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं, तो वहां पे टैक्स क्या होता है और किस कैटेगरी में आता है, वो हम आपको बताएंगे। जब भी आप किसी में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग करते हैं, तो वो आपका कैपिटल एसेट बन जाता है। मींस आप जब भी उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं अपने पैसे को, तो वो आपका कैपिटल एसेट बन गया और उससे होने वाली इनकम, उस कैपिटल एसेट से होने वाली इनकम जो आपके पास होगी, वो आएगी इनकम अंडर हेड ऑफ कैपिटल गेन। आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर राम है, राम ने 1,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर लिए टाटा मोटर्स के, एग्जाम्पल के लिए है, और वो उन शेयर को 1 साल के अंदर अगर सेल कर देता है, प्रॉफिट से करे या लॉस से करे, तो वो होगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन, अगर 12 महीने से पहले कर रहा है तो। अदरवाइज वो उन शेयर को 12 महीने के बाद सेल करता है, तो वहां होगा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस। आपको इसी के एग्जाम्पल में समझाता हूं कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और लॉस उसको हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और गेन क्या होता है, उसने वो शेयर जो 1,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे, वो उनको 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेल कर देता है 12 महीने के बाद, तो वो हुआ उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। अदरवाइज वो उसी शेयर को सेल करता है 12 महीने के बाद 1,500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो वहां होगा उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सिमिलरली, अगर वो 12 महीने से पहले ही उस शेयर को 800 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेल करता है, तो वो होगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अदरवाइज वो उसको 1,200 या 1,300 रुपये पर शेयर के हिसाब से सेल करता है, तो वहां होगा उसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस या गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस या गेन। इंडियन गवर्नमेंट ने इसी तरीके से टैक्स के अलग अलग सेक्शन बनाए हुए हैं। अगर आप सैलरी को हैं, तो आपको कौन सा टैक्स देना है, अगर आप बिजनेस में हैं तो कौन सा टैक्स देना है, अगर आपके पास कोई रेंटल इनकम आ रही है, तो उसके लिए आपको कैसा टैक्स देना है, और अगर आपके पास कोई कैपिटल एसेट है, तो उस पर आपको क्या देना है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट के कैपिटल एसेट्स के बारे में ही, तो उस पर आपको देना होता है कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन कितना देना होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं, मींस सेम एग्जांपल लूंगा, अगर आपने वो शेयर जो 1,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे थे, वो आपने शेयर सेल किए 1,500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 2 लाख रुपए थी, क्योंकि आपने 1,000 रुपये पर शेयर के हिसाब से 200 शेयर खरीदे थे, जो कि आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी 2 लाख रुपए। अब उसको आप 12 महीने के बाद बेचते हैं, मतलब 12 महीने के बाद अगर आप सेल कर रहे हैं उसको 1,500 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो आपकी जो इनकम हुई टोटल हो गई 1 लाख रुपए। मतलब आपने जो प्रॉफिट कमाया, उस पर गेन कमाया, वो 1 लाख रुपए कमाया, तो टोटल हो गया 3 लाख रुपए। लेकिन 3 लाख रुपए का कुछ नहीं करना है, जो आपके पास 1 लाख रुपए आपने प्रॉफिट कमाया, उस पर भी आपको कोई भी गेन नहीं देना है। जी हाँ, आपको उस पे कोई भी टैक्सेस नहीं देना है। अदरवाइज
आपको जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 1.5 लाख रुपए का। जो आपने शेयर खरीदा था 1,000 रुपए पर शेयर के हिसाब से, अभी वो आपने 1 साल के बाद वो सेल किया 1,750 रुपए के हिसाब से, तो आपने टोटल प्रॉफिट कमाया 1.5 लाख रुपए। आपके पास टोटल प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख रुपए, मतलब आपने गेन कमाया 1.5 लाख रुपए। अब उस पे आपको टैक्स देना है, लेकिन पूरे 1.5 लाख पे नहीं देना है, आपको 50,000 पे उसको कैपिटल गेन देना है, मतलब जो टैक्स देना है वो 50,000 पे देना है, क्योंकि 1 लाख रुपए तक गवर्नमेंट अलाउ करती है। 1 लाख रुपए तक अगर आपको लॉन्ग टर्म प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, ऐसा गवर्नमेंट बोलती है। लेकिन उससे ऊपर आप जितना कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना है। जैसे यहाँ पे आपने 1.5 लाख रुपए कमाए और 1.5 लाख में से 1 लाख पे आपको नहीं देना है, अभी बचे 50,000 रुपए, तो 50,000 रुपए पे आपको 10% का टैक्स देना है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 10% का टैक्स देना होता है, लेकिन 1 लाख रुपए निकालने के बाद, मींस 1 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना, उससे ऊपर का जो अमाउंट है उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। सिमिलरली अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं, आपने वही शेयर जो था वो सेल किया 1,500 रुपए पर शेयर के हिसाब से, शॉर्ट टर्म में 12 महीने से पहले आपने वो सेल कर दिया, तो वहां पे आपको 15% का टैक्स देना होता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 15% का टैक्स देना होता है, और यहाँ पे कुछ अलाउंसेंस भी नहीं है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 1 लाख तक का अलाउंसेंस था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कोई भी अलाउंसेंस नहीं है। आपने 10,000 कमाए उस पर आपको देना है, आपने 20,000 कमाए उस पर देना है, 4 लाख कमाए उस पर भी देना है, और 50,000 कमाए उस पर भी 15% का टैक्स देना ही देना पड़ता है आपको। हाँ, अगर आपको शॉर्ट टर्म में लॉस हो रहा है, लॉन्ग टर्म में भी लॉस हो रहा है, तो आप जब भी ITR भरते हैं, इनकम टैक्स रिपोर्ट भरते हैं, आप इस लॉस को उस रिपोर्ट में दिखाइए कि आपको कितना लॉस हुआ है, ताकि इससे ये फायदा होता है कि वो जो आपका लॉस है वो आगे जाके एडजस्ट हो सकता है या हो जाता है। जैसे कि आपको लॉन्ग टर्म में लॉस हुआ 50,000 रुपये का, और वो आपने उसमें दिखा दिया, अपनी ITR में दिखा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 1.5 लाख रुपए का, 1 लाख तक तो आपको वैसे भी टैक्स नहीं देना है, बची हुई अमाउंट आपकी 50,000 रुपए, उस पर आपको 10% का टैक्स देना है। लेकिन अगर आपने वो 50,000 रुपए जो आपको लॉस हुआ था वो आपने अपनी ITR में दिखा रखा है, तो यहाँ पे वो 50,000 रुपए जो आपको प्रॉफिट हुआ है जिसपे आपको 10% टैक्स देना, वो इस 50,000 लॉस के साथ एडजस्ट हो जाएगा। इट मीन्स आपको अब कुछ भी नहीं देना है, अब आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, वो आपका 10% का टैक्स बच गया क्योंकि वो इसके साथ एडजस्ट होगा। लेकिन यहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो होगा वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा, और ऐसे ही शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस जो है वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी एडजस्ट होगा। लेकिन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका वो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस के साथ एडजस्ट नहीं होगा, केवल वो ही एडजस्ट होंगे। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस एडजस्ट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ, और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ये एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इंश्योर करना होगा कि वो आपने ITR में दिखाया हो। तो गाइस एक और पॉइंट है जो कि याद रखने वाली बात है, मैं आपको बताता हूं कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमा रहे हैं और आपका जो टोटल इनकम है वो आपकी टैक्सेबल इनकम जो होती है उसकी लिमिट से कम है। मतलब गवर्नमेंट अलाउ करती है कि अगर आप 2.5 लाख रुपए तक कमा रहे हैं साल में तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन उससे ऊपर जो आप कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना है। तो उसी तरीके से आपने पूरे साल में कमाए, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए आपने पूरे साल में कमाए, आपने 1.5 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया, मीन्स आपने टोटल कम रुपए कमाए 3 लाख रुपए, तो अभी आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अभी बचे कितने? 50,000 रुपए। तो अब आपको उन 50,000 रुपए जो बचे उनपे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना है, मतलब 15% का अब आपको 50,000 रुपए देना है। तो इससे आपको क्या फायदा हुआ कि अदरवाइज आपको पूरा पैसा देना पड़ता, मीन्स पूरे 1.5 लाख रुपए जो आपने कमाए हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कमाए हैं, उन पूरे 1.5 लाख रुपए पे आपको 15% टैक्स देना होता। लेकिन यहाँ पे आपकी जो टोटल ओवरऑल इनकम है वही 3 लाख रुपए है, और 2.5 लाख तक गवर्नमेंट अलाउ करती है कि कोई टैक्स नहीं देना है, तो वहां पे बचे 50,000 रुपए, तो इस पे अब आपको केवल 15% टैक्स देना है। लेकिन ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी टोटल इनकम
चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स भी हो और इंक्लूडिंग अदर इनकम जो है आपकी वो टोटल मिला के 3 लाख रुपए है, तो आपको उन 50,000 रुपए जो आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से 1.5 लाख रुपए कमाए वो इधर एडजस्ट हो जाएंगे 1 लाख रुपए, और जो बचे 50,000 रुपए अब आप उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देंगे। एक और पॉइंट है कि बहुत लोगों का डाउट रहता है कि हम डेली ट्रेडिंग करते हैं, डेली पैसा लगाते हैं, डेली ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें उस पैसे को या उस इनकम को हम अपने बिजनेस इनकम में कैसे दिखा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास जो टोटल अमाउंट है आप उसका अगर 80% तक डेली ट्रेडिंग में, डेली इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं तो आप उसको बिजनेस इनकम में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आपका 80% तक, 80% या 80% से ज्यादा लग रहा है, अदरवाइज अगर आप साल में 4-5 बार ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वो पैसा आपको जो आपका टोटल अमाउंट है वो आपको फिर दिखाना पड़ेगा अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, या बोल सकते हैं कि वो आपको दिखाना पड़ेगा कैपिटल गेन में। गाइस इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं कि आपको सारा टैक्सेशन का मैटर समझ में आया होगा कि स्टॉक मार्केट में किस तरीके से हमको टैक्स देना है, अगर हम पैसे कमाते हैं या लॉस करते हैं तो उनको किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू दोस्तों।